Hey guys, welcome to my channel. I am your friend, your teacher Nisha Sharma. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. So guys, हम GK की सीरीज जो है कर रहे हैं, GK की सीरीज स्पेशली K.V.S, DSSSB, हरियाणा HSSC एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, GK इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है. SST वाले बच्चों के लिए बहुत स्पेशल काम आएगी. सो हम थ्री पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट वी स्टार्ट पार्ट नंबर 5. ठीक है, क्योंकि हम थ्री पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 4 नॉट 5. तो पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बट मैं आपको सभी जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट साथ बताऊंगी, सो डोंट बी कंफ्यूज. सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश, देखिए जब मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जब वैसे तो प्राचीन भारत हिस्ट्री में बेसिकली करवा चुकी हूँ, आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख लें तो आपको वैसे ही क्वेश्चन आते मिलेंगे. जब एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है तो जैसे मेडिवल स्टार्ट होता है, तो उस टाइम क्या होता है, मोहम्मद गोरी भारत में अटैक करता है. मोहम्मद गोरी की पूरी स्टोरी है, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका जो है युद्ध होता है, ठीक है, पृथ्वीराज तराइन का सेकेंड युद्ध. और उसके बाद मोहम्मद गोरी जो है भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर लेता है. लेकर जब मोहम्मद गोरी वापस जाता है तो अपनी सत्ता कुतुबद्दीन ऐबक को देके जाता है, ठीक है. तो कुतुबद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश को स्थापित कर देते हैं. एक्चुअली क्या होता है, दिल्ली सल्तनत होता है, दिल्ली सल्तनत में कुछ मुस्लिम वंश राज करते हैं. बहुत बार एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ. इन शॉर्ट एक छोटा सा ट्रिक लिख लो, हंसने वाली बात नहीं है भाई, ट्रिक तो ट्रिक है, हमें क्या मतलब है. गुड़ खाओ, गुड़ खाओ तसले में, ठीक है, तसले में कोई गुड़ नहीं खाता, हमें तो याद करने से मतलब है. तो गै, तसला बड़ा है, इसके तीनों लेटर लेने, बाकी का पहला. गैसे हैं गुलाम वंश, गैसे गुलाम वंश, कैसे हैं खिलजी वंश, तैसे हैं तुगलक वंश, सैसे हैं सैयद वंश, ऐसे हैं लोधी वंश, और मैं से बच जाता है मुगल काल. मीन्स पूरे मेडिवल हिस्ट्री को यदि मैं एक लाइन में ख़त्म करूँ, गुल खिले ऐसे भी कर सकते हो, गुल खिले लाइक कुछ भी है, बट मुझे याद है तो ठीक है. तो गुलाम वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, कैसे, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश. तो आपसे कोई पूछ ले दिल्ली सल्तनत के वंशों को सीक्वेंस में लगाए, बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन भी आया एसएसटी वाले सेक्शन में, तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है. तो इसमें गुलाम वंश पहला वंश है, तो उसके संस्थापक है कुतुबद्दीन ऐबक. कुतुबद्दीन ऐबक से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखना. कुतुबद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है. तो इतिहास में लाख बख्श किसको कहा जाता है, कुतुबद्दीन ऐबक. ये कहते हैं लाखों रुपये बख्शता था, मीन्स लाखों रुपये दान में देने वाला था कुतुबद्दीन ऐबक. और कुतुबद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु होती है 1210 में, ये क्वेश्चन भी याद रख लेना. लाहौर में घोड़े से गिरकर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है. तो क्वेश्चन है ना, घोड़े से गिरकर किस इतिहास मतलब राजा की मृत्यु होती है, तो कुतुबद्दीन ऐबक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सांची के स्तूप किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो जो सांची के स्तूप है गाइज, वो अशोक ने बनवाए थे. यू नो ग्रेट अशोक है, अशोक जो मौर्य वंश के फेमस राजा थे, अशोक ने बनाए थे सांची के स्तूप. अशोक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और याद कर लेना. सबसे पहले जो शिलालेखों को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, जो शिलालेख पत्थर स्तंभलेख वगैरह बनवाने वाला इतिहास का पहला राजा अशोक ही था, ठीक है. शिलालेख जो है ये इंस्पायर्ड था ईरान के राजा डेरियस से. तो क्वेश्चन आ जाता है ये कहाँ से शिलालेख लिखने के लिए इंस्पायर हुआ, तो ईरान के राजा डेरियस से हुआ था. और इसके शिलालेखों को सबसे पहले क्वेश्चन स्टार लगा लो, बहुत बार क्वेश्चन आता है. एक इंसान होता पादरे ही पैंथलर, या फैंथलर भी बोल देते हैं, पैंथलर. पादरी पैंथलर वो पर्सन है जिसने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले खोजा था, ठीक है, 1750 में. क्वेश्चन आ जाए अशोक के, आता ही है ये क्वेश्चन अक्सर, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने खोजा, तो याद रखना पादरी पैंथलर ने खोजा था 1750 में. लेकिन ये पढ़ नहीं पाया था, प्राकृत भाषा में उस टाइम की भाषा में लिखी हुई थी. यदि पूछा जाए पढ़ने वाला सबसे पहला कौन था, तो पढ़ने वाले सबसे पहले थे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है. तो पढ़ने वाले कौन थे, जेम्स प्रिंसेप. इन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ लिया था. ध्यान रखना अशोक के शिलालेखों को खोजने वाले थे पादरी ही पैंथलर 1750 में, और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप 1837 में. साथ में याद रखना अशोक जो है महान राजा थे, यू नो वेल, इनका जो लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया था. तो वो चेंज क्यों आया था, वो चेंज आया था कलिंग के युद्ध से, ठीक है, वार ऑफ कलिंगा, कलिंग बोल देते हैं, कलिंग के युद्ध से वो चेंज आया था. कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था, 261 में, ठीक है. और कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया था, इन्हें बौद्ध धर्म को अपना लिया था. तो क्वेश्चन आता है यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में, कलिंग जगह कहाँ पर है, तो कलिंग जगह गाइज उड़ीसा में है, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. साथ में इसका जिससे युद्ध हुआ था उस राजा का नाम था अनंतनाथन खारवेल,
बेसिकली ऑप्शंस में खारवेल ही मिलता है, तो अनंतनाथन खारवेल, खारवेल वंश से संबंधित थे और जैन धर्म के फॉलोवर थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रख लेना आप। नेक्स्ट है, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आई थिंक एवरीबडी नोज केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है, तो ऐसे क्वेश्चन तो सबको ही पता होता है, 8वीं क्लास से राज्य राजधानी याद करते हैं। तानसेन किसके दरबार में थे, तानसेन जो है अकबर के दरबार में थे, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे तानसेन। तानसेन का रियल नेम कई बार पूछा जाता है, राम तनु पांडे, ठीक है, तानसेन का रियल नेम था राम तनु पांडे, ये हिंदू थे, बाद में इन्होंने धर्म को कन्वर्ट किया था अकबर के दरबार में। ये बहुत अच्छे संगीतकार थे, कंठ भरण वाणी विलास, मतलब बहुत ऐसे ऐसे उपाधियां दी हुई थी अकबर ने इनको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाइयान किसके दरबार में आया था, तो यू नो इंडिया में आज तक ध्यान रखना दो चीनी यात्री आए हैं फेमस रूप से जो प्राचीन भारत में, बाद में तो देखो आते रहे लेकिन फेमसली फेमस आपको टू याद रखना है। प्रथम चीनी यात्री आए थे फाइयान, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश के महान राजा हैं। लेकिन सेकंड चीनी यात्री आया था हेंग सांग, या हम उसको हयूंग सांग भी बोल देते हैं, ठीक है, हेंग सांग या हयूंग सांग, तो हेंग सांग या हयूंग सांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ठीक है, किसके दरबार में आए थे, हर्षवर्धन, तो है से हर्षवर्धन है से हयूंग सांग, तो दोनों को याद रखना है। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया, तो मनसबदारी जो प्रथा है वो अकबर, ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा जो है इसको प्रचलित किया गया था। क्या होता है, बहुत पहले है ना इकता प्रथा की शुरुआत होती है, याद रख लेना, क्वेश्चन आता है, इकता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ई से इकता, ई से इल्तुतमिश, ठीक है, इकता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इसमें क्या है, कोई भी लोग काम करते थे उनको नगद वेतन के स्थान पर भूमि दान दी जाती थी, तो नगद वेतन के स्थान पर भूमि देना ये जो प्रथा थी वो इकता प्रथा थी, गॉट इट, नगद वेतन के स्थान पर भूमि देना ये जो प्रथा थी इकता प्रथा थी, गॉट इट। अब इसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया अकबर के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी वो पर्सन थे जिन्होंने नगद वेतन की शुरुआत की थी, तो नगद वेतन पहली बार देना अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। फिर मुगलों ने भी कुछ ऐसा ही किया, इन्होंने क्या किया साथ में कि घुड़सवार भी देने शुरू कर दिए, तो ये जो है मनसबदारी प्रथा कहलाई थी, ज़्यादातर घुड़सवार रखने वाला ट्रेंड तो अकबर के दरबार का फेमस था। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता, देखो उत्तर भारत का कश्मीर क्या, जो सबसे ऊपर होगा मतलब जम्मू कश्मीर, तो दक्षिण भारत का क्या होगा, जो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे केरल, तो सिंपल सा आंसर है केरल। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस, ये क्वेश्चन आपको याद करना है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ये तो फैक्ट है, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काला पड़ोगा कहाँ पर स्थित है, कोणांग, कोणांग का जो है वो उसको काला पड़ोगा के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पंचतंत्र के लेखक कौन थे, पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र क्या है, कहानियों का कलेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना, कहानियों का कलेक्शन है पंचतंत्र, और पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा, और ये गुप्त वंश के टाइम थे, ये भी ध्यान रखना, इतिहास के कौन से वंश के टाइम थे, ये गुप्त वंश के टाइम थे, कौन, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है सर्वाधिक मसाला, तो एवरीबडी नोज मसालों का राज्य जो है केरल कहलाता है, केरल में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर वो इंसान है जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश लेके सारे देशों को जीतता आ रहा था, भारत में इनका सामना हुआ था राजा पोरस से, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है हाइडेस पीज, या उसको बोल देते हैं झेलम का युद्ध, ठीक है, झेलम नदी के आसपास हुआ था, झेलम और चिनाब नदी के बीच, तो हाइडेस पीज या झेलम का युद्ध बोल देते हैं, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। और गाइज एक फैक्ट और याद रखना इंटरेस्टिंग सा, सिकंदर की जब डेथ होती है तो ये ओनली 33 साल के होते हैं, सिर्फ 33 वर्ष के होते हैं जब सिकंदर की मृत्यु होती है। देखो 33 साल में हम सरकारी नौकरी के फॉर्म ही भरते रहते हैं, और सिकंदर ने 33 साल में पूरी दुनिया को जीत लिया था 33 ईयर्स में। और ये स्टेटमेंट कहते हैं ना कि खाली हाथ जाना है दुनिया में कितना ही भी कमाल हो, तो ये सिकंदर से ही ट्रेंड में आई है। सिकंदर की जब डेड बॉडी ले जाई जा रही थी, इसने बोल दिया था कि मेरे दोनों हाथ खाली रखे जाएं, कि दुनिया को संदेश दिया कि विश्व विजेता बन के भी खाली हाथ गए हैं, कहते हैं ना भाई कमा कमा के मर रहे हो खाली हाथ जाना है, बट ठीक है सबकी लाइफ की अलग फिलोसफी होती है, मेरी तो लाइफ की ये फिलोसफी है कि जब तक जीते हैं शान से जियो, अपनी इच्छाओं का गला मत दबाओ, कमाना सीखो, क्योंकि इच्छाओं को मारने का कोई फायदा नहीं है, पैसा बचा के क्या करना है, पैसा कमाओ, हाँ जरूरत के लिए बचाओ, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी इच्छाओं को मारते रहते और पैसा जोड़ते रहते हैं, ऐसा क्या, पैसा हमारे लिए होता, हम पैसे के लिए थोड़ी ना होते हैं, ठीक है, बेफिजूल नहीं होना चाहिए कुछ भी, बट लाइफ को शान से जियो, कमाओ, मेहनत करो। नेक्स्ट है खून की कमी कौन सी बीमारी से होती है, तो आई थिंक सबको पता है भाई खून की कमी अनीमिया कहलाती है।
नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर जी की हत्या जो है औरंगजेब, औरंगजेब बहुत कट्टर थे, हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना रहे थे, तो इस कड़ी में जो है बचाने के लिए आते हैं गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने हिंद की चादर भी कहलाते हैं वो, और औरंगजेब ने उनका सिर कलाम करवा दिया था गुरु तेग बहादुर का, ध्यान रखना। एलोरा और एलिफेंटा के शैलकृत चैत्य किस काल में देखने को मिलते हैं? तो ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, आपको ध्यान रख लेना। राष्ट्रकूट जो राजा थे इतिहास में, दक्षिण भारत की हिस्ट्री है, दक्षिण भारत की हिस्ट्री ये बची हुई है, बाकी मैंने सारी जो है। विश्व का सबसे छोटा देश किसको कहा जाता है? तो ये पता नहीं बाहर कौन सब्जी वाला जो बोले जा रहा है इतना तेज तेज, कोई बात नहीं आप इग्नोर करो, जस्ट मुझे फोकस करो, थोड़ा बाहर से शोर आ जाता है, सब्जी वब्जी वाले आ जाते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौ सैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चोल वंश की, राजेंद्र प्रथम वगैरह जो राजा थे चोल वंश की, जो नौ सैनिक अभियान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को, ठीक है, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय RDI कहाँ पर स्थित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बहुत एग्जाम्स में साइंस में, कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश का रंग नीला वो ध्यान रखना हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम्स में साइंस में पूछ लेते हैं, तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? जो बिजली का बल्ब होता है उस वो किससे बना होता है? तो ये सिक्स क्लास से हमने पढ़ रखा है, टंगस्टन धातु होती है, जिससे बिजली का, जैसे बल्ब के बीच में एक तार नहीं होता, आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, पहले बिजली के बल्ब होते थे, आजकल तो ये CFL आ गई हैं, लाइट्स आ गई हैं, ठीक है, तो टंग उसमें बीच में एक पतला सा तार होता था, वो टंगस्टन धातु का बना होता था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय, आज जो क्वेश्चन है ये मिक्स मैच आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? जो भारत का संविधान है उसमें जो संसदीय, संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है? ये जो लोक, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, राष्ट्रपति होगा, इनका मुखिया, तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान, यू नो जो भारत का संविधान है उसको उधार का थैला कहा जाता है, अलग अलग संविधानों से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ली हुई हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो ब्रिटेन से लिया हुआ संसदीय प्रणाली। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? जो चीन में लाल क्रांति है वो किसके नेतृत्व में हुई है? तो ध्यान रखना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, मायो तसे तुंग, ठीक है, चीनी इसके ऐसे ही नाम होते हैं, तो मायो तसे तिंग। नेक्स्ट है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी कहलाती है? तो संसार में मीठे पानी की, ये क्वेश्चन बहुत बार आता, सुपीरियर लेक जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है संसार में, मीठे और ताजे पानी की कुछ भी पूछे तो यही है सुपीरियर लेक। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से, तो एवरीबडी नोज विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से शक्कर भी होता है, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं, रतौंधी आंखों से रिलेटेड रोग होता है। नेक्स्ट मैं कॉमन सेंस के क्वेश्चन अभी छोड़ देती हूँ, हिस्ट्री के चल रहे ना, थोड़ा हिस्ट्री पे ही ध्यान देते हैं हम। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चंस पे देखते हैं, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता, ध्यान रखना, ये एक स्थायी सदन माना जाता है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता, जैसे लोकसभा में तो हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि 2 साल जब हो जाते हैं तो जो एक तिहाई सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं, उनको रिटायर कर दिया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत बार आ चुका है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष। गाइज एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, या तो लोकसभा, क्योंकि इसके आंसर्स सही नहीं है,
संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठन, ठीक है मैं बताती हूँ, यदि क्वेश्चन आए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, यदि बैठक बुलाता है तो राष्ट्रपति आएगा, ध्यान से समझ लो, लेकिन इनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इस बुक में गलत आंसर देगा प्रधानमंत्री, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, यदि क्वेश्चन आए संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इनकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के। करवाऊंगी मैं लोकसभा राज्यसभा का कंटेंट डिटेल में। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी होता है, तो चमगादड़ जो एक स्तनधारी प्राणी माना जाता है। अब आ गए अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन, ये बीच में ऐसे ही डाल दिए थे अलग सब्जेक्ट के। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शुंग वंश के जो संस्थापक है वो कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। रास्तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रास्तरंगिणी क्या है, कश्मीर के इतिहास के ऊपर, कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है और ये संस्कृत भाषा की पुस्तक है। ध्यान रखना रास्तरंगिणी संस्कृत की है, कल्हण ने लिखी है और इसका विषय पूछे तो कश्मीर के इतिहास को दिखाती है। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म किसकी है, मेकिंग ऑफ महात्मा जो फिल्म है श्याम बेनेगल की है। महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बहुत बार आते हैं दक्षिण भारत से क्वेश्चन मंदिरों का ही आता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कवि हरिसेन किसके दरबार में थे, जो कवि हरिसेन हैं वो किसके दरबार में थे। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे, समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट राजा है गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त को ध्यान रखना गाइस, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, और इसका दरबारी कवि था हरिसेन, और हरिसेन ने इसके लिए एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख, तो इसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। और क्वेश्चन आ जाइए प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थित है, तो याद रखना इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये बहुत अच्छी कविताएं भी करता था चंपू शैली में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ये कविताएं करता था किस शैली में, चंपू शैली में। कविराज भी इसको कहा जाता है, वीणा बजाता था, ये कहते हैं इसने अपने टाइम में जो सिक्के छपवाए उस पर खुद की फोटो लगवाई वीणा बजाते हुए, तो ध्यान रखना ये वीणा वादक थे, भारत के नेपोलियन थे, किसी युद्ध को इन्होंने नहीं हारा था, 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। कविराज थे, चंपू शैली में कविताएं लिखते थे, दरबारी कवि हरिसेन, हरिसेन ने इनके लिए अभिलेख लिखा प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है गुगली शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो गुगली शब्द आता है भाई क्रिकेट के अंदर, ठीक है, जो गुगली शब्द आता है वो क्रिकेट में आता है। तमाशा और लावणी, ये लोक नृत्य से रिलेटेड एक अलग से कॉन्सेप्ट बता देंगे। तमाशा और लावणी सबको पता महाराष्ट्र का होता है, तो भाई सीधी सी बात है तमाशा हमें, मुझे चलो तमाशा नहीं पता बट लावणी पता है महाराष्ट्र का, तो कॉमन सेंस है तमाशा और लावणी पूछा एक ही ऑप्शन है, तो महाराष्ट्र आंसर आएगा, महाराष्ट्र। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार जो है मुद्रा है इराक की, ठीक है, दिनार मुद्रा है कहाँ की, इराक की। तो आई थिंक 40+ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज आपको कैसे लगते हैं मेरे एफर्ट्स आपके लिए, सो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, सीरियसली स्पीकिंग, आप कभी कभी लगता है ना मैम वीडियो बनाने में डिले कर देते हो, क्यों डिले करते देती हूँ, क्योंकि तुम कमेंट करने में डिले कर देते हो, तुम्हारे कमेंट्स ही तो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं न्यू वीडियोस बनाऊं, कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आऊं। सो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं मुझे मोटिवेट करती हैं, रीइंफोर्स करती हैं आगे बढ़ाने के लिए। एंड फाइनली आई वांट टू से वन थिंग, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल क्लासेस देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, नंबर्स आर फ्लैश इन योर स्क्रीन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।